खुद के बर्थडे के बलून पंप का पेमेंट भी मैं नहीं करता। हैप्पी बर्थडे टू यू फॉर दिल्ली। एजी मैंने बोला ना दिल्ली डांस। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल। हाँ, तो आज मेरी एनर्जी थोड़ी नहीं अच्छी खासी लो है बिकॉज मुझे टॉन्सिल्स हो रहे हैं। सिर्फ टॉन्सिल्स हो रहा है, मुझे टॉन्सिल्स का इशू होता था पहले बहुत ज़्यादा, बट आई थिंक 1.5 साल से और या आप 2 साल बोल सकते हो, कोविड के बाद से मेरे को टॉन्सिल्स नहीं होते थे। कोविड जब स्टार्ट हुआ क्योंकि मैं बहुत योगा वोगा करने लगी थी एंड ऑल दैट, और थोड़ा प्रिकॉशंस लेके मुझे समझ में आने लग गया था कि मुझे क्या खाना है और कब मुझे टॉन्सिल्स ट्रिगर कर रहा है। कभी ऐसा कुछ खा भी लेती हूँ खट्टा वट्टा, तो मैं काढ़ा पी लेती थी। बट अभी जब मैं शादी में गई थी ना, तो मैंने दबा के जो चाट होती है वो खाई थी और चाट में इमली की चटनी डाल करके, मतलब रात को 11:30 पौने 12 बजे भी मैंने चाट ही खाई है। और इतनी टेस्टी चाट थी तो मैंने कंट्रोल नहीं करा, मुझे लगा यार इतने टाइम से तो हुआ ही नहीं है तो शायद अब मुझे नहीं होगा, ऐसा करके मैंने चाट खा ली सैम के साथ। और तो बस मेरा गला उस दिन से मुझे फ़ील तो होने लगा था। मुझे दूसरा अपडेट ये है कि मेरे मम्मी पापा भी कोविड पॉजिटिव हैं। टचवुड अब काफ़ी बेटर हैं। 2-3 दिन में सब नॉर्मल हो, मतलब धीरे धीरे वो 3 दिन में कम भी हो जाता है। इस बार जो वेरिएंट हुआ है तो पापा के ऑफिस में काफ़ी सारे लोग कोविड पॉजिटिव हुए थे। तो ये हुआ है कि उसके 4 दिन पहले जब मेरे पापा को आना, तब तक मैं कांटेक्ट में नहीं आई थी। 4 से 5 दिन पहले तक मैं कांटेक्ट में नहीं आई थी। मैं सिर्फ क्योंकि इस टाइम टीनू आई हुई थी तो मैं तब से गई नहीं थी, प्रिकॉशंस लेकर के कि भाई टीनू वहाँ से आई है तो मैं नहीं जाती हूँ अपने घर पे। तो पता चला उनको ही वहीं पर ऑफिस के थ्रू हो गया है। तो हम लोग जाते हैं, दवाई देने के लिए जाती हूँ। उनको फीवर आया था तो मैं देखने ज़रूर जाती हूँ, गेट पर खड़ी रहती हूँ और दवाई ववाई दे करके हालचाल पूछ करके आ जाती हूँ मैं। वैसा आज ऊपर टीनू और सैम की कथा है शादी के बाद, क्योंकि वो लोग फर्स्ट टाइम आए तो हम लोगों की कथा वगैरह होती है, तो कथा है। एंड दूसरी चीज़ ये है कि विक्की महाराज हमारे इतने महान है, अभी तो वो है नहीं। उसने मुझे बोला था कि वो कुछ मंगवा रहा है बर्थडे के लिए, मेरे बर्थडे के लिए कुछ मंगवा रहा है। जो आया है अभी उसका पेमेंट भी मैंने ही किया है। मैं दिखाती हूँ अभी क्योंकि वो तो घर पर है नहीं। ये मतलब ये इसने इलेक्ट्रिक बलून पंप मंगवाया है और प्री पेमेंट भी नहीं किया, मतलब इसका पेमेंट तक मैंने, खुद के बर्थडे के बलून पंप का पेमेंट भी मैंने कर दिया है। और मैंने सोचा था कि मैं बर्थडे से पहले अपना मैसिव डीक्लटर करूँगी, अपना वार्डरोब खाली कर दूँगी। तो मेरा जो वो वाला है वो भी पूरा प्लान पापड़ और हलवा हो चुका है। तो और 28 को ना मैं सुबह, पता नहीं मैंने बताया कि नहीं बताया है, बट 28 की जो शुरुआत होने वाली है वो ऐसे होने वाली है, लोगों को खाना खिलाने जाने वाली हूँ। तो यही अपडेट है और अब मैं आप लोगों से मिलती हूँ थोड़ी देर में। हाय एवरीवन, सो मैं आप लोगों से 2 दिन बाद मिल रही हूँ एंड आई एम फीलिंग मच बेटर नाउ एंड वेरी एनर्जेटिक एज वेल। सो येस, अब मैं थोड़ी एक्साइटेड हूँ और थोड़ी नॉर्मल भी हो गई हूँ बिकॉज अब मुझे थोड़ा फील हो रहा है, अब अच्छा लग रहा है। मेरा जो गले का थोड़ा सा सोर थ्रोट हो रहा था वो बिल्कुल 1 दिन में ही ठीक हो गया था, बट फिर भी अपेरेंटली आई वॉज टेकिंग रेस्ट एंड ऑल द प्रिकॉशंस। मैं ऊपर भी जा रही थी तो पूरा प्रॉपर मास्क वगैरह लगा करके और नीचे ही रह रही थी मोस्टली मैं। एंड थैंकफुली विक्की इज़ ऑल फाइन, सब लोग ठीक हैं। तो 4 दिन मुझे, आज मेरा 4था दिन है तो कल का दिन रहेगा 5वां दिन एंड 6th डे मेरा बर्थडे आने वाला है, तो एटलीस्ट मैं थोड़ा कुछ कर पाऊँगी। सो अभी मैं क्या करने वाली हूँ, अभी मैं अपने नेल्स चेंज कर रही हूँ, थोड़ा बर्थडे वैलेंटाइन अप्रोप्रिएट टाइप के नेल्स करने वाली हूँ। एंड काफ़ी लोग ना मुझसे मैसेज में ऐसे बोला है उन्होंने, काफ़ी तो नहीं बट हाँ कुछ लोग इंटरेस्टेड हैं कि मैं किस तरीके से जेल नेल पेंट घर पे करती हूँ वो स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करूँ। तो डेफिनेटली जो आप पार्लर में जा करके एक्सटेंशंस और जो इवन आप नॉर्मल जेल पेंट भी लगाते हो ना, वो इतना लंबा लास्ट नहीं करती है। वो सारी चीज़ें एक डेडिकेटेड वीडियो बना रही हूँ उसका कि कैसे वर्क करता है, क्या वर्क करता है, सो दैट स्टेप बाय स्टेप कि मैं कैसे घर में वो जो ग्रेडियंट स्टाइल वाली नेल पेंट करती हूँ ना वो कैसे करती हूँ। तो वो ही मैं अभी कर रही हूँ। अभी आज 26 है तो हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल ऑफ यू। एंड अभी मैं जस्ट वही करने के लिए बैठ रही हूँ, अपना जो नेल्स है जेल पेंट लगाने वाली हूँ और साथ में उसके लिए एक वीडियो भी बना दूँगी, सो दैट यू नो जिन लोगों को इंटरेस्टेड है और जो घर पे करना चाहते हैं, आप ऐसे किट खरीद करके 15-15, 20-20 दिन के लिए आप टेंशन फ्री हो जाओगे। पैरों में तो ये इतनी चलती है। टीनू की शादी की जो मैंने उसको पैरों में लगाई थी वो अभी तक स्टे कर रही है। जैसे जैसे नेल बढ़ता जाता है ना वैसे वैसे वो ऊपर होती जाती है। अप्रॉक्सीमेटली 2 मंथ्स हमको स्टे करिए। आज टीनू और सैम गए हैं, सैम को अपना लैपटॉप अपग्रेड करना था और अभी एप्पल पे अच्छी खासी सेल चल रही है तो वो लोग गए हैं अपना जो लैपटॉप है वो अपग्रेड वगैरह करवाने के लिए, बट मैं नहीं गई। मैंने कहा अभी थोड़े दिन और 3-4 दिन बाहर नहीं जाती हूँ मैं। तो यस, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द नेल्स। गाइस, तो मैं अभी स्टार्ट करने वाली हूँ मेरे बर्थडे के लिए। अब बचा है टोटल 24 आवर्स। कल रात में 12 बजे से बर्थडे स्टार्ट हो जाएगा। सो मैं स्टार्ट कर रही हूँ अपना फेस थोड़ा सा ग्लो अप, नॉट एग्जैक्टली ग्लो अप क्योंकि फेशियल्स मैंने आई थिंक टीनू की शादी में भी नहीं लिया था और उसके बाद ठंड स्टार्ट हो गई है, तो चेहरे पे कुछ भी बहुत देर तक ना फेस पैक लगाया है, मतलब इन शॉर्ट मैं बुलाऊँ तो ना फेस पैक ना कुछ भी नहीं लगाया है, इतने टाइम से कुछ भी नहीं किया है। अभी तो इतनी ठंड है यहाँ पर, मतलब 4 डिग्री टेम्परेचर आज जाने वाला है और अभी भी 9 डिग्रीज चल रहा है कि पानी में डालने से ही बहुत वो लगता है। तो अभी ये सब तो मैं नहीं कराने वाली हूँ। थोड़ा सा भी जो दिख रहा है ना आपको यहाँ पर, कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बट यहाँ से थोड़ा आईब्रोज शेप करूँगी। शेप क्या, ये जो एक्स्ट्रा हेयर होते हैं सब मैं खुद घर पे ही निकालती हूँ, मैं घर पे ही मैनेज करती हूँ। ये दिस इज़ माय नेचुरल शेप। तो मैं हल्का सा जो एक्स्ट्रास होता है ना वो प्लकर के थ्रू निकाल लेती हूँ, दैट्स इट। Right here I'm just spending my time. Sometimes you laugh when I cry. Sometimes I ask myself why. There's not a lot to do. सो आई एम डन विद दी एक्स्ट्रा जो भी हेयर है उसका रिमूवल वगैरह सब कुछ मैंने कर लिया है। सो एक्ने इज़ अ ह्यूज प्रॉब्लम स्पेशली ड्यूरिंग दिस सीजन। जितना ज़्यादा ड्रायर और कोल्डर होगा उतना ही ज़्यादा वर्स्ट आपका एक्ने होता है। दैट्स बिकॉज द स्किन ट्राइज टू ओवर प्रोड्यूस सीबम, द ऑयल विच स्किन प्रोड्यूस टू कीप स्किन हाइड्रेटेड। थोड़ा सा सीबम निकलना आपकी स्किन को मॉइस्ट एंड सॉफ्ट रखता है। टू मच सीबम कैन क्लॉग पोर्स, जिसका रिजल्ट होता है एक्ने ब्रेकआउट्स। आई एम गोइंग टू यूज हियर द डर्माको सैलिसिलिक एसिड रेंज। इसमें जो फर्स्ट प्रोडक्ट है वो है 1% सैलिसिलिक एसिड जेल फेस वॉश। सेकेंड प्रोडक्ट है वो है 2% सैलिसिलिक एसिड फेस सीरम। के लिए अब हम बात करते हैं सैलिसिलिक एसिड क्या है। इट इज़ अ बीटा हाइड्रोक्सी एसिड जो कि टारगेट करता है एनलार्ज पोर्स को, एक्ने ब्रेकआउट्स को एंड ब्लैक हेड्स को। जो पोर्स क्लॉक हो जाते हैं उनको प्रिवेंट करता है एंड एक रूम प्रोवाइड करता है फॉर न्यू सेल ग्रोथ। से एक्ने जो ब्रेकआउट्स होते हैं वो प्रिवेंट होते हैं एंड साथ ही साथ आपकी स्किन हेल्दी एंड क्लियर होती है। ये जो रेंज है ये एक्टिव एक्ने एंड पिम्पल्स को ट्रीट करता है। अब आपको इसको यूज कैसे करना है, सबसे पहले 1% सैलिसिलिक एसिड जेल फेस वॉश को आपको लेना है, मसाज करना है आपकी वेट स्किन पे एंड जेंटली अपवर्ड सर्कुलर मोशन में, और उसके बाद पानी से अच्छे से धो लेना है एंड जेंटली पैट ड्राई करना है। इसको आपको डे एंड नाइट में यूज करना है एवरी डे। उसके बाद आते हैं 2% सैलिसिलिक एसिड सीरम में। तो आपको 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ सीरम लगाना है अपने पूरे फेस में एंड नेक पे। तो आप AM एंड PM दोनों टाइम यूज कर सकते हैं। आप जब भी सीरम लगा रहे हैं दिन में, आप हमेशा ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन लगाएंगे। आपको इसको भी एवरीडे यूज करना है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया रहेगा, स्क्रीन पे दिया हुआ कूपन कोड अगर आप यूज करेंगे यू विल गेट डिस्काउंट। स्टार्ट योर जर्नी टू अ हेल्दी स्किन दैट नीड्स नो फिल्टर एट thedermaco.com। साथ हमारा जो स्किन केयर है वो कंप्लीट होता है और अब देखते हैं क्या करते हैं। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। सो मैं आप लोगों से बहुत देर बाद मिल रही हूँ। आज सुबह से मैंने इतना कुछ खास काम नहीं किया, मैं थोड़ा इनवॉइस वगैरह के काम में अटकी हुई थी। सो आज मुझे सुबह सुबह एक प्री बर्थडे गिफ्ट आया है फ्रॉम माय डियर फ्रेंड अश्विनी। दिस इज द ब्यूटिफुल रोजेस, फ्लावर्स और साथ में कुछ चॉकलेट्स आई हैं। मैंने उसको यहाँ पर रख भी दिया है ताकि एकदम एंट्रेंस से जो भी है उसको ये दिखे सबसे पहले। और हाँ, सब मैंने लंच वंच सब कुछ कर लिया है क्योंकि अब तेज़ जब तीखी धूप रहेगी ना तब मैं जा करके अपने बाल एयर ड्राई जो होते हैं नॉर्मल एयर ड्राई वो करवा करके आऊँगी ऊपर छत पे जा करके। तो मैं भी शार लेने जाने वाली हूँ। मैं बहुत ऐसे वो कर रही थी अपने आप को कि अरे मैं कुछ लगाऊँ कि नहीं लगाऊँ, हेयर मास्क लगाऊँ कि नहीं लगाऊँ, बट फिर फाइनली अभी मैं लगा लेती हूँ। थोड़ा सा लगाऊँगी यहाँ पर बस नीचे नीचे। अब शार वार सब कुछ हो गया है एंड शार लेने के बाद मैं सो भी गई थी। बहुत मज़ा आया सोने में आज तो, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड है। 3 दिन का वो आया है जो था ना जैसे विंटर अलर्ट, वैसा शीत लहर चल रही है बहुत खतरनाक वाली। और आज मैंने बिल्कुल ना कोई भी ब्लो ड्राई यूज़ नहीं किया, सन में जा कर के बैठ गई थी मैं धूप में। तो बहुत अच्छे बाल हो गए हैं एंड वो मुझे थोड़ा है कि बलून्स बर्थडे मतलब बलून्स एंड फ्लावर्स, दैट्स इट। ठीक है, भले आप अब थोड़ा बहुत डांस वांस कर लो गाने वाने लगा करके, दैट्स इट। इसके अलावा ऐसा नहीं कि आप बहुत मतलब कि मुझे कहीं बड़े होटल में जाके खाना खाना है या कहीं बाहर जाना है या ये करना है, नहीं, मैं सिर्फ इन तीन चीज़ों में सेटिस्फाइड हो जाती हूँ कि मतलब कोई भी घर में ना भी आए ना तो भी बलून्स, फ्लावर्स एंड थोड़ा सा म्यूज़िक एंड गुड पिक्चर्स ऑफ मी, माई बर्थडे इज़ सक्सेसफुल। गिफ्ट आए नहीं आए उससे इतना फ़र्क नहीं पड़ता है, बट हाँ ये दो तीन चीज़ों का मेरे को शौक है। तो आपने अगर मेरे बर्थडे व्लॉग्स देखे होंगे तो तब से स्टार्टिंग से देखा हो तो मैंने मेरे हर बर्थडे में आपको बलून्स एंड भयंकर वाला डेकोरेशन मिलेगा। पहले तो मेरे यहाँ डांस क्लास के बच्चे आते थे तो तब तो मैं बहुत ही अच्छा डेकोर करती थी, कभी पिंक कलर का डेकोरेशन हो रहा है, कभी गोल्डन, और ये मतलब अलग अलग डेकोरेशंस होते हैं। तो कभी हमारे यहाँ कोई आ जाता था करने के लिए, कभी खुद ही हुआ है, मेरे पापा मम्मी आते थे हमेशा बर्थडे पे, तो वैसा। तो कुछ चीज़ें जो डेकोर की होती हैं वो मेरे पास यहाँ पर आके रखा चुकी हैं। और क्योंकि अभी कोविड का टाइम चल रहा है तो हम लोग किसी को घर के अंदर बुलाने में कंफर्टेबल नहीं हो रहे हैं, तो टीनू है, सैम है, मैं हूँ, विक्की है, तो बहुत हम लोग डेकोरेशन नहीं करने वाले हैं, सिर्फ एक वॉल थोड़ी सी रेडी करेंगे जस्ट टू गेट सम गुड पिक्चर्स एंड थोड़ा फील आए कि हाँ बर्थडे है। तो मैंने सोचा है कि ये वाली जो वॉल है ना यहाँ पर हम लोग थोड़ा डेकोरेट करने वाले हैं। इस टेबल पर मैं केक कटिंग करने का सोच रही हूँ, उसको मैं यहाँ सेंटर में रख दूँगी और ये जो दोनों फ्रेम्स आपको दिख रही है ये मैं हटा दूंगी। यहाँ पर डेकोर स्टार्ट करने वाले हैं तो मैं सोच रही हूँ अभी टैम बोल रही हूँ, टीनू और सैम को मैं टैम बोल रही हूँ, वैसे नॉट ए बैड नेम। तो अभी सैम और टीनू जो है दोनों गए हुए हैं मॉल। एक्चुअली सैम ने जो नया लैपटॉप लिया था तो वो कन्फिगर नहीं हो पा रहा है, थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, तो वो इसलिए मॉल गए हुए हैं एंड फिर शाम से उन दोनों की कॉल स्टार्ट हो जाएगी। तो मैं सोच रही हूँ थोड़ा बहुत ना मैं खुद ही थोड़ा बेसिक जो होता है वो मैं खुद ही कर लेती हूँ, फिर बाद में ये लोग सब ज्वाइन कर लेंगे मुझे, क्योंकि मुझे मेरे तरीके से करना पसंद है। अब किसी को पैसे देके करवाते हैं तो भाई बता देती हूँ कि भाई ऐसे करना है ऐसे करना है, बट अभी इन लोगों को ऐसे ऑर्डर दूंगी तो अच्छा नहीं लगेगा, तो मैं थोड़ा बहुत अपने अकॉर्डिंग कर लेती हूँ, लोग आके हेल्प करा लेंगे। अभी मेरे पास सेकंड गिफ्ट आ गया है, मेरे पास एक और सरप्राइज गिफ्ट आया है जो कि आया है फ्रॉम निशा। निशा ने मुझे केक भेजा है। निशा इज़ माय फ्रेंड, अगर आप मुझे देखते होंगे तो पता होगा मुंबई वाली मेरी फ्रेंड है। सो केक आया है और पता है निशा ने विक्की को फ़ोन करके बोला कि भैया आप बताना मत, उसको बताना मत। और जितनी देर में विक्की बात कर रहा था, विक्की तो अंदर बैठा हुआ है, विक्की इज़ वेरी बैड एट कीपिंग सरप्राइजेस, बैड क्या बोलूँगी, मतलब वो बेचारा, मैं हम दोनों साथ पे ही रह रहे हैं यार। तो जैसे ही आया मेरे को, तो पार्सल जब बाहर आए थे ना तो मेरे अंदर से एक आवाज़ आई थी कि निशा ने भेजा होगा, पता नहीं क्यों, और लिटरली वो निशा का ही निकला और निशा ने केक भेज दिया है। तो इस केक, चॉकलेट केक। ओके गाइस, तो अभी टाइम हो रखा है 11:20, दिख रहा है आपको। तो टीनू अभी आकर के गई है, ऊपर गई है, वो पूछ रही थी 12 बजे केक कट करने के लिए, बट मैंने बोला यार अभी तो लिटरली भी बहुत तेज़ नींद आ रही है, तो अब हम लोग जा रहे हैं बेड पे। 12 बजे भी मतलब ऐसे लड़खड़ाते सड़खड़ाते वाली हालत में रहने वाली हूँ मैं, तो अभी सोएंगे क्योंकि कल सुबह जल्दी भी उठना है। हाय गाइस, सो आई वोक अप अर्ली टुडे, बहुत जल्दी उठ गई हूँ मैं, 6:45 हो रहा है, और ठंड भी बहुत तेज़ है, बहुत तेज़ मतलब बहुत अच्छी खासी ठंड है। तो अभी आई एम जस्ट टेकिंग शावर क्विक वाला, क्योंकि कल मैंने हेयर वॉश कर लिया था, मुझे पता था आज सुबह जल्दी सब काम करना है। आई एम गोइंग टू वेयर सूट क्योंकि मंदिर जाने वाली हूँ, ऊपर से कोट पहन लूँगी, तो हालाँकि सूट इतना दिखने वाला नहीं है बट स्टिल। सो आई जस्ट टुक शावर, मैंने खतरनाक तरीके से कौवा स्नान किया है क्योंकि भाई मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी। 5 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है। और ये मैंने सूट पहन लिया, अंदर मैंने अपना इनर पहना हुआ है, इसके ऊपर अब मैं ब्लैक कलर का कोट पहनूंगी। आई नो आई एम गोइंग टू टेम्पल और हम लोग में ऐसा होता है कि ब्लैक कलर अच्छा नहीं माना जाता है शुभ काम के लिए, बट भाई मेरे पास वही एक मोटा कोट है तो मैं वही पहन के जाने वाली हूँ। ओके गाइस, सो आई एम रेडी और अभी हम लोग निकल रहे हैं। तो हम लोग आ गए हैं मंदिर, पूरा खाली है, पूरा खाली, इतनी जल्दी आए हैं और इतना अच्छा लग रहा है ना यहाँ पे। हजारों साल ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, लव। हेलो गाइस, तो हम लोग आ गए हैं मम्मी के घर से, बहुत देर के आ गए हैं, मतलब आने के बाद मैं सो चुकी हूँ मस्त तरीके से। और सोने के बाद अभी ये कुछ एक गिफ्ट आया है मेरे पास और ये मैंने तो नहीं मंगवाया, तो मैं चेक कर रही हूँ कि किसने भेजा है। और अभी शाम को मेरी चाची लोग भी आने वाले थे, उनका भी कॉल आया था, उन्होंने केक परचेज़ करके रखा हुआ है, तो मुझसे पूछ रही थी कि हम, फिर मैंने उनको बताया कि थोड़ा अभी मेरे को कफ हो करके गया है तो प्रिकॉशनरी बेसिस पे उनको अभी ट्रैवल करना है थोड़ा 2-3 दिन बाद, तो मैंने उनको मना किया कि अभी अपन साथ में थोड़ा दूर रहते हैं। तो हम लोग अभी सामने से ही वो आएंगी, केक लेकर के चले जाएंगे और यहाँ पर फिर कट कर लेंगे और क्या। तो यस, अब सबसे पहले इस गिफ्ट को ओपन करते हैं कि इसमें क्या आया है। तो ये भी मुझे मुंबई से ही आया है, वहाँ पर एक दी रहती है, आपने काफ़ी मेरे ब्लॉग्स में नाम सुना होगा, शालिनी दी करके, तो उन लोगों ने सेंड किया है मुझे। एंड बहुत ही ब्यूटीफुल बेड सेट भेजा है एंड आई रियली लव इट, आई रियली रियली लव इट। उनको पता है मेरी चॉइस क्या है तो उन्होंने बिल्कुल मेरे चॉइस के अकॉर्डिंग ही भेजा हुआ है। ओके, सो नाउ गेटिंग रेडी फॉर माई बर्थडे और अभी बज रहा है 5 बजे, बट फिर भी मैं सोच रही हूँ रेडी हो हुआ कि बैठ जाती हूँ आराम से, क्योंकि फिर मैं थोड़े 1-2 अपने अच्छे पिक्स भी ले लूँगी। सो आई विल बी वेयरिंग एनी वन ऑफ दीज ड्रेस, ये सारी मेरी जितनी भी ड्रेसेस है ना, ये सब मेरी बर्थडे ड्रेसेस, गाउन्स हैं, ये गाउन है, ये मेरा गाउन है, ये वन पीस है ना, तो ये इन्हीं में से कोई एक ड्रेस पहन लेती हूँ। मैं सोच रही हूँ वो वाली, ये ना फुल ऐसे जंप सूट है, आई थिंक आपने देखा भी होगा इसको, तो मैं इसको एज अपना बर्थडे ड्रेस पहन रही हूँ। ओके, सो रेडी होती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। Life is a winding road, no telling where it goes. Driving through days and nights, won't stop for traffic. अरे बाद में आएंगे, पहले इसकी सिंगल तो ले, zoom करके ले लेंगे। चलो। ठीक है। नहीं यार, ये क्या हो रहा है? गाना चल रहा है। कुछ। बारे बार मुझे हजारों साल। ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे। क्यों ये कड़क हो गया क्या केक? नहीं अच्छा है। अभी इंजेक्शन लगा के आंटी एंजॉय ना करें, आंटी एंजॉय ना करें, अब 5 लगेंगे। ये ऊपर वाले यूज़ कर ले यार। ना मैं तो खिलाऊं, ये खिलाऊं ना, वो बोल रहे ऊपर का खिलाओ। अच्छा, हैप्पी बर्थडे। ओके गाइज, सो वी आर डन विद बर्थडे थिंग। और एक्चुअली मेरे फादर इन लॉ नीचे नहीं आए थे, फोटोज़ में वो भी नहीं दिखेंगे आप लोगों को बिकॉज उनको थोड़ा ज़्यादा जो कोल्ड है वो ज़्यादा हो रहा था एंड जस्ट फॉर द प्रिकॉशनरी बेसिस वो पूरा मास्क वास्क लगा करके ऊपर ही बैठे हैं। हालांकि उनको 2 दिन हो गए हैं तो इसलिए वो नीचे नहीं आए थे एंड बाकी सब हम लोगों ने सेलिब्रेट किया। मैं ऊपर जाकर उनको केक दे के आ गई थी। ही इज़ इन आइसोलेशन मोड। मैं चेंज करती हूँ और फिर हम लोग थोड़ी सी और डांस पार्टी वगैरह करेंगे। हेलो गाइस, अभी हम लोग खेल रहे हैं ब्लफ ब्लफ, जो कि हमको टीनू आगे नहीं बढ़ने दे रही है, खेलने नहीं दे रही है। आप बढ़ने देगी, मैंने जानबूझ के झूठ बोला है। ये दोनों पति पत्नी खेल रहे हैं, हम दोनों पति पत्नी खेल रहे हैं, हमको चांस भी नहीं मिल रहा। पत्नी को समझ नहीं आ रहा पत्नी को हुआ क्या। 2-10 बना दी, 2-10 बस, 1-10 क्यों यार, 1-10 एक तो है ही नहीं इसके पास, उठा लो। निक्की का देखना है, मैं उल्लू बना रही है मैं इसे हरामी बना करती हूँ। 4-8 उठा ले, बिल्कुल नहीं इसके पास, 100% उठा ले। ये ऐसे कर करके खाली करवा दो। अरे हारो से शहर मजे से हारो, अपनी बहन को नहीं जानते ये जो बड़े फुलके से मत्ते इधर उधर कर को रहा करके। ये सही बात है, दूसरी हो रही है आज क्या 28 है, आज ये दूसरी तुम्हें 28 में शादी हुई थी। भैया हैप्पी बर्थडे कर रहे थे, बोल रहे आपके वैवाहिक जीवन के कैसे कटे वो दिख रहा, पता ही नहीं लगे भाई। दोनों में आंसर देगा, बता बहुत ही खराब। और सैम तेरा पता ही नहीं चला, हम लोगों को तो फर्स्ट मंथ भी पता नहीं चला। हम लोग खाना खाने गए थे फिर हमने आज 28 हैप्पी वन मंथ। सही तो पक्का चलेंगे। ए जी ओ जी, झूठा है, झूठा है ये आदमी, ये आदमी झूठा है। अब तो हो गई कतई झूठ है, इससे बात ज्यादा विक्की झूठ नहीं बोल सकता बेचारा हमारा। नहीं हम झूठे नहीं। वाह, चलो दोनों का क्यूएनए करते हैं। तुम दोनों एक वर्स्ट हैबिट एक दूसरे की बताओ और बेस्ट हैबिट एक दूसरे की बताओ। दोनों संगति। सैम सैम इसकी हाँ, एक अच्छी हैबिट एक बुरी हैबिट। दो बताओ, दो बेस्ट और 2 वर्स्ट। क्या है ये? 2 संगति। एक तो बहुत एनर्जेटिक है और सेकंड हंसती खेलती रहती है। चाहेंगे तो हाँ चलो। 2 बेस्ट हैबिट्स हैं, एक तो भयंकर लेवल पे मैनेज्ड है लाइफ में, हर चीज में, फैमिली, पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ। हाँ मैनेज्ड है, मतलब वो नहीं है भक्ता ढूंढने वाला काम नहीं इसका। क्या बात है। और दूसरा क्लीननेस फ्रीक है, गुस्सा आता है इसे बहुत जल्दी। हाँ। एक शक्ति, गुस्सा आता है सबसे ज्यादा वस्तु। तो सेकंड कुछ है ही नहीं, नहीं बस गुस्से में सब कुछ आ जाता है। चलो सैम इसकी 2 वर्स्ट। हाँ एक तो है कि जल्द पेशेंस कम है, प्लान कम करती है, मतलब प्लान नहीं करती चीजें, ऑन द स्पॉट है इसका। झगड़े नहीं होते। वर्स्ट क्यों है? अरे तेरे लिए वर्स्ट नहीं है, मेरे लिए तो है। पास है मेरा। I am तो बिना। मैं बोला ना आप। मेरा तो दूर तक है। चलो हो गया हमारा सेकंड। अब भैया जीते सेकंड नंबर पे। ये हर बार ये 8 दबा के बैठ जाती है और साली 8 इसको जितवा रहा है। 8 रेडी चलो। विनिंग डांस। तो हारने की खुशी नहीं है। हारने की खुशी। तो इसी के साथ हम हमारा बर्थडे व्लॉग खत्म करते हैं। बाय, गुड नाइट। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। सो आज है नेक्स्ट डे एंड नहीं आज वैसे 30 है, कल 29 थी। कल का मैंने कोई व्लॉग नहीं किया बिकॉज कल एक्चुअली टीनू भी जाने वाली थी। कल टीनू निकल गई रात में, उसकी ट्रेन थी। जाते टाइम उन लोगों ने ट्रेन करवाया है बिकॉज काफ़ी सारा सामान उसका, उस टाइम तो जल्दी जल्दी में कुछ सामान लेके नहीं गई थी वो, तो अभी कुछ सामान उसका जाना था तो इसलिए वो लोग वाया ट्रेन गए हैं ताकि सामान ईजिली जा सके बिकॉज आप फ्लाइट में कितना ही सामान लेके जा सकते हो। Life is a winding road. And also मैंने ना अभी 3 टॉप मंगवाए हैं, मैं आपको बता। ओके, तो जो मैंने टॉप्स मंगवाए ना वो मैं आपको बताती हूँ। सो दिस इज़ नॉट बेसिकली फॉर बर्थडे वाले हॉल के लिए नहीं था, ये बर्थडे के लिए नहीं थे, मैंने इन जनरल मंगवाए हैं। मैं एक बहुत मैसिव डी क्लटरिंग कर रही हूँ अपने वार्डरोब की, तो मैंने सोचा थोड़े 2-3 जो टॉप हैं मुझे थोड़े पसंद आए थे तो मैंने जस्ट मंगवा लिए, और कुछ रीज़न नहीं है। ओके सो एक तो टॉप ये है, ऐसे वाइन से वाइन एंड रेडिश कलर का है, काफ़ी प्यारा सा है। सो दिस इज़ फ्रॉम द ब्रांड वेरो मोडा, ऑरेंज कलर का टॉप है। दिस इज़ अगेन फ्रॉम वेरो मोडा, तीनों मैंने वेरो मोडा के ही मंगवाए हैं। दिस इज़ द टॉप, वन शोल्डर। वो देखिए, एक तो ये कॉटन है, स्लीव्स पे हल्का सा एक इस तरीके का पैटर्न दिया हुआ है। सो आई रियली लाइक इट। एंड इवन इधर पे एक ये बट रबर लगा हुआ है ताकि ये जो टॉप है ना, ये आपका यहाँ से ऐसे स्लिप ना हो। जो नेक्स्ट टॉप है वो है ये। सो ये पूरा मैश पैटर्न में है। इसके ऑब्वियसली अंदर आपको ब्लैक कलर का जो इनर होता है ना, वो पहनना पड़ेगा। तो ये तीन ही टॉप मैंने एकदम बेसिक से मंगवाए हुए हैं, जिसकी लिंक्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों के लिए डाल दूंगी। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है देन डू नॉट। एंड हाँ, मेरा जो मैंने आई थिंक लास्ट व्लॉग में डाला था कि मैंने खुद को एक सेल्फ गिफ्ट लिया है, जिसके लिए मैं सेविंग कर रही हूँ पूरे साल भर से। वो अभी तक आया नहीं है, वो आएगा मिड फेब्रुअरी में आएगा, अभी तक नहीं आया है, टाइम लगेगा उसको आने में। तो जैसे ही आएगा मैं इंक्लूड करूँगी और दिखाऊंगी ज़रूर। आई एम ऑल्सो वेरी एक्साइटेड फॉर दैट, और मैं एक एक दिन काउंट कर रही हूँ जब आएगा वो तब। सो येस, दैट्स इट फॉर माई वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू डू सो देन डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड कॉमेंट डाउन बिलो। एंड ऑल्सो टीनू एंड सैम के साथ मैं अलग से कोई वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि वो लोग भी बिजी थे, मैं भी बिजी थी, नहीं हो पाया। अभी वो लोग मार्च में होली पे फिर से आएंगे, तब कोई अलग से डेडिकेटेड वीडियो प्लान करेंगे उनके साथ। मैं मिलती हूँ आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।